है ना, अब हम तुम्हारे देवरानी सृष्टि की तरह तो बिल्कुल नहीं है कि अपने ही सिंदूर पर खतरा बन जाए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें सृष्टि तक पहुंचने से पहले ना रागिनी सिंह से होकर गुजरना पड़ेगा। हमारे शादी के कान को खून से रंग दिया गया है, ये जो सृष्टि है ना, एक ही है कान। हम ऐसा नीच काम करने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये जिस किसी ने भी किया है ना, हम पता लगा के रहेंगे। इसका पता तो ना हम लगाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं लीशु जी, आपकी वजह से प्यार लव्स हमें बहुत प्यारा लगने लगा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। आए आई लव यू लीशु जी। I love you very, 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 very much. Vishu ji. पागल हुए जा रहे हैं। अब कल दोबारा से हिम्मत जुटानी पड़ेगी। गुड नाइट ईशु जी। क्या है वहां पे, बोलो मुझे, बोलो। पिशु क्या हुआ, किसको देखा था बेटा, क्या हुआ वहां पर? वो चाकू कहाँ? चाकू? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसे ही डर रहे हो। नहीं माँ, हम सच कह रहे हैं, वो चाकू। हाँ
रहा है अनुराग, देखो बेटा अंदर ही जाके। एक सेकंड। देखो बेटा। अरे तो घबराओ मत बेटा, हम आए तुम्हारे पास है, कुछ नहीं होगा बेटा, हम आए तुम्हारे पास है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि आप ना कुछ और देख लिए होंगे और वही समझ लो। आप तो बहादुर है ना, आप ऐसे कैसे डर रहे हैं? आप बिल्कुल मत डरिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं भाभी, कुछ नहीं है बेटा, तुम डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैं अच्छे से चेक करके आया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ भैया, तुम मानो मेरी बात, कुछ नहीं है भैया। हम सच कह रहे हैं भैया, हमने देखा है। भैया देख कर आए ना, कुछ नहीं है बेटा, वहाँ तुम्हारा वहम हो सकता है बेटा, कुछ नहीं है। यही महारानी, डर के मारे चिल्ला रहा है, कानों में आवाज नहीं गिर रहा है। हम बाथरूम में थे, हमें आवाज सुनाई नहीं दी थी। विश्वजीत कुकुट, दूर रहो हमारा बेटा। श्रीमती जी क्या कर रही है भाई? उसके पास भी मत आना। सासुमन भाई क्या कर रही हैं आप? छोड़िए उसे, छोड़िए। विश्वजी आप घबराइए मत, चलिए। कह रहा है ना, बिसु यहां से कहीं नहीं जाएगा। 24 घंटे जो है ना, वो बिसु हमारे साथ ही रहेगा। कहा है कि तुम्हारा बुरा नजर भी ना उस पर नहीं पड़ना चाहिए, समझे? माँ बस कीजिए, बस बहुत हो गया आपका। सृष्टि विशु को रूम में लेके जाओ, जाओ विशु साथ। बिसु हमारे बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा, चलो। हम हैं आपके साथ। ना, सही में कोई था? विशु ऑलरेडी डरा हुआ है, आप उसे और परेशान क्यों कर रही हैं? और हर बात पे सृष्टि को ब्लेम करना बंद कीजिए। अनुराग तुम लोगों का आग पर जो है वो पड़ता पड़ा है का? अरे जब विशु यहाँ चिल्ला रहा था तब वो कहाँ थी? सासू मैया ऐसे तो यहाँ पे रज्जो भी नहीं है, दादी भी नहीं है, दिव्या भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनके हिसाब से तो उन पर भी इल्जाम लगा देना चाहिए। तुम लोग समझ काहे नहीं रहे हो, बाबा जी ने जो कहा। मसीह जी, बच्चे एकदम सही कह रहे हैं। आइए आइए हमारे साथ, आइए आइए, हम लोग दूसरा बात करते हैं, आइए। अब मिस्टर जी आप परेशान मत होइए, हम ये मुश्किल का हल ना हम जरूर ढूंढ लेंगे। चलो बस, तुमने कहा है कि हमको बहुत डर लग रहा है, चलो। चाकू बाकू से हमको ऐसे ही बहुत डर लगता है। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम हैं ना आपके साथ, हम हैं आपके साथ। हमने अपनी आंखों से देखा था। आप बैठिए विशु जी, हो सकता है कोई था, हमें मारना चाहता था। विशु जी, हमें पूरा यकीन है आप पर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम हैं आपके साथ। हाँ भी यही रहिएगा सृष्टि जी, और आज हम आपके बिस्तर पर सो सकते हैं। और आराम से सो जाइए।
नहीं, कर ये नहीं सकते। नहीं, कौन से नहीं, कौन? नहीं, नहीं, हमको मत कुछ करना है। और इसे ही हम कहा, हम हमको कुछ मत कर, तो करेंगे। हम हमको बहुत डर लगा है। दुकान भाई बहम होगा हमारा। कितना था शांति है, हमको का सुनाई दे रहा था। पानी पी लेते हैं, अच्छा लगेगा। पानी नहीं है, इतना रात को तो हम बाहर जाए वो नहीं करेंगे। अच्छा है हमारा प्यास से जाने का है ना चल जाए। चुड़ैल भाई, अभूत भाई, हमारे पास जति है ना, हम तुमको सब दे देंगे। अब बहुत चीज हम चुरा के धैले हैं। बुआ के बहुत सुंदर सुंदर साड़ी हम धैले हैं, तुम वो दे देंगे। अब वकीलनी का पैसा चुरा के धैले हैं, वो ले लेना तुम। एगो निमन कलम है बिसु बाबू का, चुराए लेते वो दे देंगे। बहुत निमन घड़ी धैले हैं, लंदन से आए, वो लेकर आए थे अनुराग बाबू, वो हम तुमको दे देंगे। पैसा ही बहुत लगता है। मिस्टर जी का घड़ी चुराई? मिस्टर जी, अब भूतों में काम मिस्टर जी होता है। अब तो बड़की भौजी, तुम पागल का हो गई? काय चद्दर उड़ के घूम रही हो रात का? का उड़े, कंबल उड़े, ठंड लग रही इसलिए उड़े? शर्म नहीं आता है हा? अपने घर में चोरी करती हो, मिस्टर जी का घड़ी चुरा ली, हिम्मत कैसे हो गया तुम्हारा इतना? चुराए थोड़े है, वो तो हम पूछ के चुराए हैं। क्या हमारा मतलब है कि हम पहले चुरा लिए थे, अब बाद में सबको पता चल गया कि हम चुराए, तो उसको चोरी थोड़े कहेंगे। अब बाकी तुम ही का रूम बना के घूम रही हो? हमको लगा कि कोनो डायन हमारा खून का प्यासी हो गई है। बता, वाह बात कर लो। एक तो हम आपके लिए पानी का ग्लास लेकर आ रहे हैं, ऊपर से आप ही नानाप से नाप बकने लगी थी। खोल दिया ना अपना किच्छा छिट्टा सब। हा? जो भी चुराई हो ना, सब यहाँ चाहिए हमें सवेरे, और नहीं मिला ना असली डायन आ जाएंगी, बता रहे हैं आपको। ना ना, हम सब दे देंगे, आप जान से बढ़ के थोड़े कुछ हो। पानी पियो। जय हनुमान, गए हनुमान सागर, जय कपीसते हो लोग को जाकर। अरे हनुमान जी को तो आराम से सोने दो कम से कम। ये वो आधा रात को करिया कंबल ओढ़ के घूम रही है, आधा रात को बुआ रही है कि भूजी चुड़ैल से कम है का? सब सुन रहे हैं हम। इतना रात के कौन जगता है? हम तो कहते हैं कि तारीफ का बात है कि बुआ तुमको यहाँ भेज दी है, हम अकेले रहते हमारा तो हार्ट फेल हो जाता। बड़की भौजी हम कह रहे, बड़की भौजी जितना सामान हम तुमको बताए थे ना, वो सब हम चुपक लिया। चाय पीलो, अपना शरबत पियो भाई, हमारा तो चाय आ गया है। अब कैसा है? ठीक है, अभी सो रहे हैं। दुलरिया, हमारा देने जा रहे हैं, रसोई का काम संभालो। घर में चैन से चाय नहीं पी सकते। कहे कि हम नहीं चाहते हैं कि बिसु को इसके हक का पानी भी मिले।
आइसक्रीम मत दीजिए। अरे ये कहाँ हो रखा है हमारे घर के बाहर? ये सब हे राम, ये नकली है, पता नहीं ससुरा कौन रख गया यहाँ पर। ये हम इसको अभी निकलवा देते हैं। हाँ, तुम परेशान मत हो, ये हम अभी निकलवा देते हैं इसको। आदमी के गिरने का भी एक सीमा होता है। कहा है सब? आज तक घर में जो कुछ भी हुआ हमने सब चुपचाप बर्दाश्त किया, पर इस तरह का बेहुदा और घटिया मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। कितना गिरा और शर्मनाक हरकत है। बहुत हो गया इस घर में सब। अब इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। बहुत हो गया। जेठ जी, आप इस तरह हमें घूर घूर के काहे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये सब जो भी कांड हुआ है वो सब हमने किया है? देखो, हमने किसी को ये सब करते देखा नहीं है, इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। पर जिस किसी ने भी ये घटिया हरकत की है ना, उसका ऐसा आचरण इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। देखिए, जो कुछ भी है पहले इसे हटा देते हैं, वरना विश्व आएगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। प्लीज ये उठाने में मेरी मदद कीजिए और ये सब बातें छोड़ दीजिए। कुछ नहीं हुआ है, आप सब अपने आप को संभालिए प्लीज। पूर्णिमा के दिन विश्व की जान को खतरा है। ऐसा बाबाजी ने कहा था, मुझे कहा था। अरे दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इससे पहले कि विशु आए ये सब हटा देते। मिस्टर जी एकदम ऐसा ही कह रही है। तुम अपने 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 दिमाग में ना कोनो गलत बात मत लाना। ये सब पता नहीं कौन कर रहा है, ये हमारे हाथ में आ जाएगा ना, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। परेशान मत हो। हाँ चलो चलो उठा, चलो आइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, आइए। माँ, पापा, पापा, माँ कहाँ चले गए सब लोग?